जय हिंद सत जोहार नवोदय विद्यालय 2024। लगातार एक ही बात को लेकर कमेंट आ रही है और आप सभी के मन में एक ही बात को लेकर डाउट है कि भैया नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आएगा तो आएगा कब। बहुत बच्चों के लगातार कमेंट पर कमेंट आ रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा भैया, इस चीज़ को बताइए। सबसे सही जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ और क्यों हो रहा है इधर इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। और बहुत लोग लगातार इस बात को लेकर कमेंट आ रही है कि भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या रिजल्ट में आएगा या फिर मैं पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। इस बात को लेकर भी हज़ारों में कमेंट पड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले आप सभी को पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि साथ आपने जो है एक महीना दो महीना नहीं बल्कि आपने एक साल डेढ़ साल पूरा एग्ज़ाम के लेकर प्रिपेयर किए हो, मेहनत किए हो, तब जाके आपने एग्ज़ाम दिए हो। लगातार बच्चों के मन में एक ही बात को लेकर डाउट है कि रिजल्ट में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। रिजल्ट आएगा तो कम से कम ये तो खबर हो जाए कि रिजल्ट आ गया, मैं पास हो फेल हो यो बात की बात है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा इस चीज़ को लेकर एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट समय बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके शेयर कर देना। सबसे पहले साथियों मैं एक पेज ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पेज ओपन कर लिया हूँ। साथियों मैंने बहुत सारे अपने पर्सनल फ़ोन नंबर आप सभी को हर एक वीडियो में शेयर किया हूँ, अपना पर्सनल फ़ोन नंबर जो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सएप, लेकिन अब नहीं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि एक दो नहीं अपना पर्सनल फ़ोन नंबर शेयर किया मतलब हो गया कि सोशल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हर एक बच्चों का सपना है नवोदय विद्यालय में आने के लिए। और हर एक अगर एक एक कमेंट भी करोगे, मेरा व्यू जबकि 10-12 हज़ार जा रहे हैं, 7-8 हज़ार जा रहे हैं, तो जारी सी बात है 1 हज़ार लोग भी अगर कमेंट कर दिए, फ़ोन कर दिए, तो सोचो कि मेरा फ़ोन जो है लीक कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। इसलिए मैं फ़ोन नंबर नहीं शेयर कर रहा हूँ बल्कि अपना इंस्टाग्राम का आईडी शेयर कर दिया हूँ। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करके हमसे बात कर सकते हो, इसके लिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे को यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का अपना एडिटर लिख दे रहा हूँ अमरजीत। जो मेरे को डाउट होगा आप सभी के लिए यहाँ पर 2 बार ऐड करना, 3 बार 7 कर देना, ये हमारा आईडी है इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम पर जाइए, मेरे को फॉलो कीजिए और हमसे बात कर सकते हैं। और निश्चय इंस्टाग्राम का लिंक मैं शेयर कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से भी डायरेक्ट पहुँच कर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और कोई भी डाउट होगा आप सभी को बता दूंगा। चलो ज़्यादा देर नहीं करूँगा इस सब चीज़ को लिए, उससे पहले एक और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है इस चैनल पर। अगर घाटा नहीं होता है तो बिल्कुल, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो घाटा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलते हैं, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट के लेकर, कि रिजल्ट लेकर क्या अपडेट है। साथियों हमने कल अभी अपने जिस बच्चों को नहीं पता है, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जोहार नवोदय विद्यालय से, और अभी हम नवोदय विद्यालय में आए हुए थे कल परसों में, आप सभी को जानकारी होगी। और यहाँ पर साथियों हमने कल पता लगाया, कल मैंने वीडियो भी अपलोड किया था कि नवोदय का जो रिजल्ट है आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएगी, मैंने बताया था। और देखो अभी हज़ारों पर यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं और मैंने खुद उसका गलत कहा किदार हूँ साथियों, क्योंकि हमने वीडियो में खुद बताया कि 17-18 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज हो गए साथियों 27-28 मार्च हो गए, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। आखिर रिजल्ट आएगा तो आएगा कब, 10 दिन ज़्यादा ही हो गए जबकि हमने बताया था। देखो हकीकत में मामला क्यों है, क्या है वो पहले सुन लीजिएगा, ये कोई कहानी नहीं है, नहीं तो बहुत लोग कमेंट करके बोलोगे कोई बकवास कर रहे हो, कहानी खुद से बनाकर बोलते हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपके इमोशन के साथ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी नवोदय विद्यालय में 7 साल पढ़ाई कर चुका हूँ, जाहिर सी बात है जो आपका मन में होगा वो शायद मेरे को उसमें 70% चीज़ें आप हमको पता चल ही जाती है। पहला आप सभी का एक ही मन में होगा कि भैया रिजल्ट कैसे भी आ जाए, खलबली सी मच रही होगी आप सभी को, ये हर एक बच्चों का मन में होती है। आपके ऊपर नहीं, मैं भी जब आज से 7-8 साल पहले छोटा था तो अब मैं नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समस्या मेरे समय में भी थी। मैंने बहुत इच्छा था कि मैं कैसे भी करके आ, तो फ़ोन आ गया है, उसमें फ़ोन होता था लेकिन हर एक लोगों के पास फ़ोन नहीं होता था, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता था कि भैया कैसे भी करके अपना रिजल्ट चेक कर पाए। रेगुलर पर डे रिजल्ट हम चेक करने लगते तो वही 1000 को फेक वीडियो मिल जाते और हम परेशान हो जाते, तो इस प्रकार का देखने को मिलता था मेरे समय में भी, और शायद ये बात आप सभी के लिए भी लागू होती है। लेकिन यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पर पहले बात कर लेते हैं। साथियों हमने एक मंथ पहले, ये कोई कहानी नहीं है, नहीं तो लोग कमेंट करोगे जो मेरे को वीडियो फॉलो करते होगे, मैंने बताया था 17 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि सच बताऊँ तो 17-18 मार्च को रिजल्ट आने वाला ही था, 100% कन्फर्म बता रहा हूँ। उसके बाद बताया गया, मैंने एक वीक पहले बताया, 2 वीक पहले बताया कि 17-18 मार्च के आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि अब रिजल्ट जो आएगा साथ 31 मार्च को आएगा एक रिजल्ट, लेकिन अभी 28 तारीख हुआ है। लेकिन अब क्या मामला आता है सामने वो पहले सुन लीजिए। देखिए साथ मैंने बताया था कि आपको 17-18 उसके बाद 31, पहले नंबर साथ ये जो जानकारी हमको मिलती है अपने नवोदय विद्यालय के टीचर द्वारा मिलती है, जो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं उनके द्वारा मिलती है जो सूचना है आप सभी को सामने मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये 100% क्लियर है, सेटिस्फाइड है, कोई फेक नहीं है, नहीं तो आप लोग कमेंट भी करोगे तो कोई ज़्यादा सी बात नहीं है जो मेरे को फॉलो करते होंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो में ये नहीं दिखा सकता है सर ने क्या कहा और क्यों क्या कहा, वो सर तो मेरे को डांट भी दे देंगे, तो डांटा हुआ तो मैं दिखा पाऊंगा यार, तो इस प्रकार से नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सभी से रेगुलर मैं भी पता कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट आता है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पर कोई हकदार
विचार बनता है कि मैं भी सर से पता करूँ। तो सर से बस एक बार भी मैंने एक हफ्ता पहले पूछा भी था, जिसमें सर ने बोला भी था कि भाई तुम यही कॉल पूछते रहते हो रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि तुम उधर से निकल गए हो तो तेरे को क्या माने मतलब है इस चीज़ को लेकर। तो मैंने बताया कि जस्ट मेरे घर के अगल बगल भाई लोग हैं जिनका नवोदय विद्यालय में रिजल्ट को लेकर इंतजार कर, उन सभी ने कमेंट किया था। तो कोई नहीं, वो बात को बात हुई। अब पहले इंपोर्टेंट चीज़ पर चलते हैं। देखो रिजल्ट के लेकर बात किया जाए ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया है। पहला नंबर आपको 31 मार्च को रिजल्ट आ सकता है। पहले में कल परसों में बताया गया कि आपको आज शाम शाम तक टीचर ने ही कोई कहे, टीचर ने ही जो यहाँ पर हमारे टीचर हैं गुरु हैं उन्होंने ये बात कहा कि आपको आज या फिर कल जो है रिजल्ट आज देखने को मिल जाएंगे, आज शाम शाम तक फिर कल तक। तो मैंने वीडियो में बता भी दिया था, लेकिन कोई तो यार आप लोग कहोगे कि वो फेक है, तो फेक होता तो मैं चेहरा दिखा कर नहीं वीडियो बनाता, समझ में आ गया ना। तो इसमें मैं बाहर आया हूँ इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, लेकिन अब कोई फेक नहीं है, वो जो पिछले वीडियो देखे होंगे जो आप सभी को मैं बताया था। इसलिए अब बताया जा रहा है साथ कि मैंने आज भी फिर से एक लड़का द्वारा जूनियर जो क्लासेस के था उनसे मैं एक टीचर से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने में उससे बुलवाया, उसके बाद सर से बोला कि बात करके बताओ क्या रिजल्ट कब आ रहा है इस। तो आज साथ कुछ और बताया जा रहा है, आज बताया गया रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आपकी थोड़ी सी और देरी हो सकती है। तो मैंने बोला कि भाई पूछो तो 31 मार्च को भी रिजल्ट आ जाएगा कि 31 मार्च से भी अभी जाएगा दूर जाएगा। तो बताया जा रहा है कि 31 मार्च से भी दूर हो सकता है। बहुत लोगों का कहना है कि 31 मार्च को हालांकि रिजल्ट नहीं आएगा, आप जाकर गूगल पर जाकर सर्च कर लो। मैं बोला हूँ ऑलरेडी कि आपका 31 मार्च को रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि 31 मार्च को जो संडे है संडे को रिजल्ट जारी नहीं होता है। तो खैर आपको रिजल्ट को लेकर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, स्पेसिफिक डेट का मतलब कि आपको कोई ये नहीं होता कि आपको इसी दिन रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसी रिजल्ट नहीं आएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो गूगल पर जाकर सर्च कर ले सकते हो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 रिजल्ट 2024, तो आपको 31 मार्च को देखने को मिल जाएगा, 31 मार्च या उससे पहले। तो ये चारों तरफ ही फैल गई है, लेकिन अब बताया जा रहा है साथियों आज शाम शाम तक, अभी वीडियो शूट करने से मात्र 2 घंटे पहले बताया गया था कि अभी और से डिले हो सकती है रिजल्ट को लेकर, क्योंकि अभी देखो रिजल्ट ऐसे आसानी से नहीं कहा दिया तो रिजल्ट जारी नहीं हो गया। सबसे पहले नंबर कि आपके जैसा 20 लाख बच्चे ने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिए हैं और सभी के मन में खलबली मची है, जिसमें से 10 लाख बच्चों के खलबली मची है रिजल्ट को लेकर। और ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिजल्ट जारी होता है नवोदय.gov.in। पहला समस्या हो जाती है आपका जो है कुछ टेक्निकल इशू, जो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट बनाते हैं जो रिजल्ट तैयार करते हैं वो भी उनको जानकारी नहीं होती है कि वो रिजल्ट कब दे पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं, क्योंकि आपके वेबसाइट से रिजल्ट चेक होते हैं, ऑनलाइन डाले जाते हैं रिजल्ट सही बच्चों का अलग अलग से। तो थोड़ी समस्या ये बनी रहती है कि आपका जो वेबसाइट सही होना चाहिए, क्रैश नहीं करना चाहिए, आपका टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, कुछ वेबसाइट में नेटवर्क अच्छे से होना चाहिए, सब चीज़ जानकारी होती है, क्योंकि आप एक नहीं दो नहीं जैसे रिजल्ट जारी होता है लगभग 20 लाख लोग बच्चे जो है एक बार में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं वेबसाइट पर, वेबसाइट हो जाता है क्रैश, क्रैश के मतलब वेबसाइट काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए थोड़ी समय डिले होती है ताकि आप लोग सही समय पर आप सभी का जो रिजल्ट जारी करने को मिल जाए। और बात आती है नेक्स्ट आता है साथियों, अभी फिलहाल जो सर ने चर्चा किया कि आपका अभी फिलहाल वोट चल रही है, आचार संहिता लागू हो गया है, आचार संहिता के चलते अभी और डिले हो सकती है रिजल्ट में, ये मेरे को बताया गया है जो आपको इस वीडियो में क्लियर हो सकता है। बताया गया कि 3-4 तारीख तक और अभी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, 3-4 अप्रैल तक, या फिर आपको 31 मार्च तक ही देखने को मिल जाएंगे, यही बताया गया। यानी आपको इतना समझते चलना है कि 3-4 अप्रैल तक के बीच में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।